नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम विवेक है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों आजकल के समय में डिजिटल ट्रांजेक्शन का काफी यूज होने लगा है। यही कारण है कि जो हमारे ATM कार्ड और डेबिट कार्ड होते हैं उनका उपयोग आगे बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों उपयोग बढ़ने के साथ साथ इनके खोए जाने या चुरा जाने का खतरा भी काफी बढ़ चुका है। दोस्तों अगर क्या हो, आपका ATM कार्ड कोई चुरा ले या अगर आपका ATM कार्ड खो जाए, तो ऐसी कौन सी आपको सावधानियां जो सबसे पहले आपको करनी पड़ेंगी जिससे आपका ATM कार्ड सुरक्षित हो सके, तो दोस्तों उसके लिए वीडियो शुरू से एक लास्ट तक देखते रहें। हम आपको आपको बताने वाले हैं अगर आपका ATM कार्ड कोई चुरा लेता है या खो जाता है तो आप किस प्रकार से अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हम कोई नई वीडियो डालें आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यदि आपका ATM कार्ड या डेबिट कार्ड खो जाता है, किसी के द्वारा चुरा लिया जाता है, तो सबसे पहला जो आपको कार्य करना है वो आपको अपने ATM कार्ड को ब्लॉक करा देना है। दोस्तों ब्लॉक कराने के दो सबसे बड़े फायदे हो जाते हैं। जो पहला फायदा होता है, आपके ATM कार्ड के द्वारा कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई भी पैसे का लेन देन अब नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों अगर ATM कार्ड ब्लॉक कराने के बाद भी कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं रह जाती है। RBI के नियम के मुताबिक यदि ब्लॉक कराने के बाद कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन या पैसे का लेन देन होता है तो उसकी भरपाई बैंक द्वारा की जाती है, ना कि आपके द्वारा। तो दोस्तों ये आपको दो बेनिफिट ब्लॉक कराने के बाद मिल जाते हैं। तो दोस्तों आगे हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से आप अपने कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं। दोस्तों इसके तीन प्रकार के मेथड होते हैं, वो आपको आगे हम वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों ATM कार्ड को ब्लॉक करने के तीन मेथड होते हैं। जो पहला मेथड है वो इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। अगर आपके पास अपने अकाउंट की इंटरनेट बैंकिंग है तो आप आसानी से अपने अकाउंट में लॉगिन होकर आसानी से अपने ATM कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं। जो इसका दूसरा मेथड है वो है SMS द्वारा। और दोस्तों जो इसका तीसरा मेथड है वो कस्टमर केयर को कॉल के द्वारा। हम आपको दो मेथड के बारे में आगे बताने वाले हैं, एक SMS के द्वारा एक कॉल के द्वारा, किस प्रकार से इन मेथडों के द्वारा अपने ATM कार्ड को आप ब्लॉक करा सकते हैं। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा कैसे करा सकते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताना। तो दोस्तों चलते हैं अब SMS ब्लॉक करने के द्वारा। तो दोस्तों SMS के द्वारा अपने ATM कार्ड को ब्लॉक कराने के लिए हमें ये मैसेज उस मोबाइल नंबर से भेजना है जो हमारा अकाउंट मोबाइल नंबर हमारे अकाउंट से लिंक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के इनबॉक्स में चले जाना है। वहां पर आपको टाइप करना है ब्लॉक कैपिटल अक्षरों में BLOCK, उसके बाद आपको स्पेस देना है, फिर आपको ATM कार्ड के लास्ट के चार डिजिट को फिल कर देना है। दोस्तों जो लास्ट के चार डिजिट हैं आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपने पहले कहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है तो आपको SMS के द्वारा प्राप्त हुए होंगे, जहां पहले कभी आपने जब भी कभी ट्रांजेक्शन किया हो तो वहां पर आपको लास्ट के चार डिजिट मिल जाते हैं। या दोस्तों आपने कभी पहले ऑनलाइन वैलेट का इस्तेमाल किया है, वहां पर अपने कार्ड को सेव किया है, तो आपको वहां पर भी लास्ट के चार डिजिट मिल जाते हैं। दोस्तों वहां पर देखने के बाद आपको यहां पर अपने लास्ट के चार डिजिट फिल कर देने हैं। फिल करने के बाद दोस्तों इस SMS को आपको 567679 पर सेंड कर देना है, जिसके बाद दोस्तों आप जैसे सेंड पर क्लिक करेंगे वहां से आपको SBI की तरफ से SMS प्राप्त हो जाएगा कि आपका ATM कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। अब दोस्तों आगे हम आपको अगले मेथड के बारे में बता देने वाले हैं कि कस्टमर केयर को कॉल करके किस प्रकार से आपको कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एक टोल फ्री नंबर टाइप करना होगा 1800180 1290, बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। इस टोल फ्री नंबर पर आप जो भी इंस्ट्रक्शन आपसे मांगे जाएंगे वो फिल करने के बाद आप आसानी से अपने ATM कार्ड या डेबिट कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि सभी लोगों को पता चल सके किस प्रकार से अपने खोए हुए ATM कार्ड को ब्लॉक किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।